दोस्तों, देश की आज़ादी के बाद यहाँ के नीति नियंताओं में इस बात को लेकर बहस होने लगी कि भारत में कौन सी आर्थिक प्रणाली अपनाई जाए ताकि भारतीय समाज के प्रत्येक तबके का उत्थान हो सके। चूंकि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का झुकाव समाजवाद की तरफ ज़्यादा था, इसीलिए आज़ाद भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया तथा तेल व गैस को छोड़कर विदेशी आयात पर भी रोक लगाया गया। दोस्तों, आप सभी के मन में यह सवाल तो जरूर उठा होगा कि आखिर समाजवाद होता क्या है। आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स कि समाजवाद एक तरह की आर्थिक विचारधारा है जो कहती है कि उत्पादन के साधन जैसे मशीन, जमीन आदि पर निजी स्वामित्व की जगह सार्वजनिक स्वामित्व हो, यानी किस वस्तु का कितना उत्पादन करना है यह सारा सरकार तय करेगी। तो दोस्तों, आप सभी को यह तो समझ में आ ही गया होगा कि आज़ादी के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी। इसके अलावा फ्रेंड्स, विदेशी कंपनियों को भारत में कारोबार करने पर भी मनाही थी। सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि 1991 ईस्वी में भारत में भुगतान असंतुलन पैदा हो गया, अर्थात भारत के पास मात्र 15 दिनों तक के तेल खरीदने के पैसे थे। भारत में महंगाई भी आसमान छूने लगी। इन सभी घटनाओं के मद्देनजर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जैसे विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने के बारे में सोचा, लेकिन विश्व बैंक व IMF ने भारत को ऋण देने के लिए तैयार तो हुए, लेकिन कुछ शर्तें रखी, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलना ताकि विदेशी कंपनियां भारत में कारोबार कर सकें। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर भारत ने 3 आर्थिक सुधार किए जिसे आप संक्षिप्त में LPG कह सकते हैं। L का मतलब लिबरलाइजेशन, जिसको हिंदी में उदारीकरण के नाम से जानते हैं। P का मतलब प्राइवेटाइजेशन, जिसे हिंदी में निजीकरण के नाम से जानते हैं। और G का मतलब ग्लोबलाइजेशन, जिसे हिंदी में वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। आइए सबसे पहले उदारीकरण को समझते हैं। दोस्तों, 1991 से पहले भारत में किसी भी तरह के व्यापार व्यवसाय को करने के लिए कड़े नियम और कायदे से होकर गुजरना होता था। उदारीकरण के तहत उन्हीं सारी नियमों को समाप्त किया गया ताकि जो लोग भी चाहें बिजनेस व्यापार कर सकें। आइए अब निजीकरण को समझते हैं। दोस्तों, निजीकरण के तहत लोगों को अपनी खुद की कल कारखाने स्थापित करने की छूट दी गई। आइए अब वैश्वीकरण यानी भूमंडलीकरण को समझते हैं। दोस्तों, वैश्वीकरण के तहत भारत की अर्थव्यवस्था विदेशी कंपनियों के लिए भी खोल दिया गया और पूरी दुनिया एक गांव की तरह हो गई। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।